ड्रेसर सलून एंड ट्रेनिंग सेंटर सैंडवा शहर को नई सौगात। दिल्ली गोवा के एक्सपर्ट बार्बर से सुसज्जित हेयर ड्रेसर सलून, स्टाइलिश हेयर कटिंग से लेकर कैरेटीन, स्टैंडिंग फेशियल क्लीनअप, डिटेन, एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्राप्त बार्बर द्वारा ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ नॉर्मल रेट में। संत विनोबा मार्ग सैंडवा। ठिकरी, खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी बस, 6 से 7 लोगों को आई चोट। औरंगाबाद से इंदौर जाते समय बरुफाटक बाईपास पर खड़े ट्रक में पीछे से लग्जरी बस जा टकराई। बस में सवार सह चालक के साथ पैसेंजर को आई चोट। वहीं डीएसपी कुंदन सिंह मंडलोई ने मौके पर पहुंच मामले की जांच की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक खराब था, वह पहले से खड़ा था जिसे ट्रक चालक के द्वारा रिपेयरिंग किया जा रहा था। उसी दौरान लग्जरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी जिसमें ट्रक चालक को भी गंभीर चोट आई है। सभी घायलों को ठिकरी स्वास्थ्य केंद्र और गंभीर घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इंदौर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में डीसीपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की थी, वहीं मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर पटेल को देर रात गिरफ्तार किया। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के सत्यसाई चौराहे के पास कांग्रेसी द्वारा बिना अनुमति सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस के एक नेता चंद्रशेखर पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना एक कुत्ते के समान की थी, जहां भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे। पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हुई अभद्र टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर पटेल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। वहीं कांग्रेसी नेता की तलाश में पुलिस जुटी थी, जहां बाईपास पर पुलिस ने कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर पटेल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामले में भाजपा की बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर करते हुए प्रदेश के मुखिया के खिलाफ हुई अभद्र टिप्पणियों का विरोध किया था।